सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में। दोस्तों आज महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि एमपी पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसका सामान्य ज्ञान इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ, मेरे साथ हैं शैलेंद्र तिवारी जी, और हमारी टीम और बड़ी हो रही है। और एमपीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस, बिल्कुल एमपीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ में व्यापम, बिल्कुल व्यापम यानी कि जो आजकल क्या हो गया है पीईबी का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, और हम आपके लिए सब मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज जो आपको एमपी का कंप्लीट सॉल्यूशन का अगला पार्ट है, जिसमें हम आपका लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में प्रथम, सबसे एकमात्र और प्रथम एमपी का, जो कि अगर आप कोई भी एग्जाम की बात करें तो वहां पर तो आता ही आता है एमपी में सबसे पहला। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो एमपी में इसमें पहला कौन है, उसमें पहला कौन है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको पूरा वीडियो देखना ध्यान से और हमारा बने रहना है। साथ में दोस्तों हमारे साथ जो टाइम टेबल है वो नोट कर लीजिए, एक है 8 बजे सुबह, जिसमें हम एमपी के कंप्लीट नॉलेज का जो है डोज देते हैं आपको, पूरा कंप्लीट जीके प्रिपेयर करवाते हैं, और शाम को 6 बजे आपको मिलेगा एमपी जीके का एमसीक्यू। दोस्तों देखिए ये दोनों सेशन रहेंगे आपके लाइव, लेकिन अभी दोस्तों ये प्रीमियर चल रहा है, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब कैसे दूंगा, मैं लाइव रहूंगा तो जवाब दूंगा। तो मैं लाइव आने वाला हूँ 8 और 6 बजे सुबह, शाम को 6 बजे, सुबह 8 बजे। तो तैयार रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अनअकैडमी पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, unacademy.com/@dinesh.aw2, यहाँ पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करने का फायदा क्या है, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है पहले, तो उसके बाद आप जब इसमें अपना गोल चूज करेंगे लाइक एमपीपीएससी व्यापम, और आपको यहां पर मिलेगा फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जब चाहे तब आप पढ़ाई कर सकते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पर दिग्गज बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं, खुद आईएएस ऑफिसर हैं वो पढ़ाते हैं, जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं वो पढ़ाते हैं। लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, उनका गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगा, साथ में कंसेप्ट बेस्ड क्विजेस मिलेंगे, और यहाँ पर देखिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन क्या है आपका। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप इनको रोक के डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, यहाँ पर चैट विद एजुकेटर जो हम आपको बता रहे थे बात कर सकते हैं आप, इंटरेक्टिव पोल्स हैं, लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर, आज मोबाइल का जमाना आ गया है, और यहाँ पर आप कहीं कोचिंग में जाकर पढ़ाई करेंगे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करेंगे, टाइम बहुत लगता है, यहाँ पर हम आपको पूरा पढ़ाई करवाएंगे। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, लैंग्वेज से लेकर सारे के सारे सब्जेक्ट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर लाइव टीचिंग दे रहे हैं। केवल मेरा ही सब्जेक्ट नहीं, एमपीपीएससी के अदर टीचर्स के सब्जेक्ट कोर्सेज भी वहां पर आपको मिलेंगे, और वो वहां पर बेहतरीन तरीके से अभी लाइव भी पढ़ा रहे हैं आपको। कैप्सूल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरा जो कोर्स है क्रैश कोर्स ऑन फैक्ट अबाउट मध्य प्रदेश पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है, पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है, तो आप बिल्कुल देर ना करें और अनअकैडमी पर जाकर हमको फॉलो कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर जो फीस है, देखिए नोट्स मिल रहे हैं आपको, लाइव सेशन मिल रहा है आपको, लाइव सेशन नहीं देख पाए तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, किसी भी पे फैकल्टी बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसका फीस आप क्या सोचते हैं, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान जाएंगे ना तो 60-70 हज़ार से नीचे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर 7,000 तो शो हो रहा है, लेकिन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप हमारा रेफरल कोड DT Live यूज करेंगे। क्या लगेंगे? DT Live आपको यूज करना है। 7,000 रुपए का कोर्स आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 6,300 रुपए का, 6,300 रुपीज का कोर्स है, इसको आपको बिल्कुल ले लेना है एक साल का। अब आपको लगता है कि आपकी अभी और तैयारी करनी है, लंबे मतलब पढ़ाई करनी है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, या आपका गोल एमपीपीएससी है, तो अभी से आप 24 महीने का कोर्स भी ले सकते हैं। 24 महीने का कोर्स लेने के लिए भी करना वही है, रेफरल को डीटी लाइव लगाना है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो जो 12,000 के लगभग का कोर्स है वो मिलेगा आपको कितने का, 10,000, कितना, 10,080 रुपए का, 10,080 रुपए में कोर्स मिलेगा 2 साल का। यार 2 साल, कोई भी आपका फ्रेंड हो, कोई भी आपका मित्र हो, कोई भी आपका भाई बंधु हो, उसके लिए रेफर कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड डीटी लाइव, बिल्कुल आपको उनको बहुत आसानी होगी, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देखिए हम आपको क्वेश्चन भी लगाएंगे साथ में आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर लगातार लाइव लगा सकते हैं। ये प्रीमियर है, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन जब लाइव रहूंगा ना तो बहुत आनंद आएंगे। चलिए मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन है, यानी देखिए ये भारत के राष्ट्रपति प्रथम नहीं है,
भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं, और आप जानते हैं तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति थे हमारे शासन का हमारे समय में, ये जब रहे हमको बहुत अच्छा मतलब अच्छे डिसीजन लेते थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति महामहिम हमारे राष्ट्रपति तो शंकर दयाल शर्मा थे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे और सबने इनका क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री। बिल्कुल, प्रथम मुख्यमंत्री हमारे एमपी के प्रथम, ठीक है ना, एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, नाम सब जानते हैं, लगा दीजिए। बिल्कुल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। फोटो भी आप देख सकते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बहुत बढ़िया। चलिए, इनका नाम आप जानते हैं, ये कौन रहे हैं, इनका है प्रथम राज्यपाल। कौन है ये प्रथम राज्यपाल? बिल्कुल, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, नोट कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए एमपीपीएससी में चाहे व्यापम में या इंडिया अपनी यहाँ पे एमपी में कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम होगी, ऐसे क्वेश्चन तो आने आने, जहां पर भी एमपी जी के पूछा जाता है एमपी जी को हम घुटवा देंगे, रटवा देंगे। आप बिल्कुल या हमारे को जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, बस हमारी शाम की 6 बजे की और सुबह 8 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 6 बजे हम आपसे एमसीक्यूज लगवाते हैं और सुबह आपको डिटेल में पढ़ाई करवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, आप ये नोट कर सकते हैं। साथ में इनका फोटो भी सब लोग जानते हैं, प्रथम न्यायाधीश। प्रथम न्यायाधीश सबको पता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए आज, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लाइव आंसर भी लगा सकते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला। बिल्कुल सही है, न्यायाधीश पहले कौन थे एमपी के, मोहम्मद हिदायतुल्ला, नोट कर लीजिए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं हमारे यहाँ के, प्रथम विधानाध्यक्ष मध्यप्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो कुंजी लाल दुबे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, आपने बुक्स में कई बार पढ़ते होंगे, कई बार नाम सुन लेते होंगे, ऑडियो या आप किताबें देखते होंगे, वहां पर आपको दो चीजें एक साथ नहीं मिलती, हम यहाँ पर टेक्स्टुअल जानकारी और आपका ग्राफिकल जानकारी, फोटोज वगैरह इमेजेस वगैरह लेकर आते हैं, जिससे आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखिएगा। चलिए, नाम आप जानते होंगे इन मोहतरमा का, प्रथम महिला राज्यपाल है हमारे यहाँ की, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल नहीं, प्रथम महिला राज्यपाल है डॉक्टर सरला ग्रेवाल। बिल्कुल, डॉक्टर सरला ग्रेवाल, सुश्री डॉक्टर नहीं है, सुश्री सरला ग्रेवाल इज द राइट आंसर। बिल्कुल, प्रथम महिला, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कौन है ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री, रिसेंटली रही है कुछ समय पहले, 10-15 सालों पहले, तो 10-15 साल पहले की जानकारी आपको होगी, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं एमपीएससी की, मतलब आपकी एज कम से कम 18-20 प्लस तो होगी होगी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है उमा भारती, बिल्कुल सुश्री उमा भारती सही आंसर है। और ये इनके बाद रहे हैं बाबूलाल गौर कुछ समय के लिए, उसके बाद बने थे शिवराज सिंह चौहान, और फिर लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं में रहे हैं। चलिए, एस कामत मुख्य सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रथम, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे हैं हमारे, एच एस कामत, नोट कर लीजिए, बिल्कुल याद कर सकते हैं, एच एस कामत रहे हैं, ठीक है ना। अगला है आपके प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, लगा सकते हैं आंसर तो लगा दीजिए, अदरवाइज ये थे एमसीक्यूज का समय नहीं है, एमसीक्यूज को शाम को 6 बजे मिलेंगे आपको, तो 6 o'clock पर आप आ जाइएगा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिखा हुआ, ठीक है ना, कौन उपाध्यक्ष, तो विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है ना, विष्णु विनायक सरवटे प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। चलिए, प्रथम विपक्ष के नेता, नेता प्रतिपक्ष के प्रथम नेता विष्णुनाथ तामस्कर, कौन है प्रथम विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर। देखिए दोस्तों, एमपी जीके में आपको एमपी का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक विस्तार, एमपी का नदियां, एमपी के वन, एमपी की जनजाति, एमपी के पशु पक्षी, और एमपी में जितना भी एवरीथिंग है, डिटेल्ड जानकारी अन अकेडमी प्लस पर हमने चालू कर दी है, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स से जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, साथ में एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर अपने लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। तो केवल मेरा कोर्स नहीं मिलेगा, हाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, मैं बता दूँ, कल मेरे पास फोन आया था कि भाई एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको फायदा क्या है, एक बार सब्सक्रिप्शन लो, अनलिमिटेड एक्सेस है कोर्स के अंदर, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं 20 लोग 25 लोग 50 लोग, एक ही सब्जेक्ट की मोर देन वन फैकल्टी है, कम से कम 2-3 फैकल्टी एक ही सब्जेक्ट की, तो आप जिससे चाहे उससे पढ़े, टाइम फिक्स है, मेरा शाम को 7 बजे है, तो अनअकैडमी प्लस पर जाकर फॉलो जरूर कर लीजिए मुझे शाम को 7 बजे के लिए, चलिए ठीक है ना। चलो, वहां पर कोर्स स्टार्ट है, डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट है, ठीक है ना। महिला, प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना, कौन है श्रीमती सरोजनी सक्सेना, नोट कर लीजिए, नाम याद कर लीजिएगा। इनका फोटो मेरे ख्याल से तो आप मुझे कई लोग पहचान गए होंगे, और ये हैं प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। देखिए क्या होता था, बहुत समय पहले की बात है, जब देश आजाद हुआ, कुछ लोग सोचते हैं कि कांग्रेस ने राज्य कैसे किया,
क्या हुआ था, जब देश आजाद हुआ था उसके पहले कांग्रेस कमेटी ही बनी थी जिसने देश की आजादी में क्या किया था, अहम भूमिका निभाई थी। और उस समय बहुत सारे राजनेता थे अलग अलग जगह के जो संगठित थे आपस में, तो कांग्रेस का नाम था। अभी ऐसे कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस कमेटी बनी थी, उस कांग्रेस ने क्या किया कि राज करना स्टार्ट किया। ऐसे ही एमपी में भी चल रहा था, लेकिन एमपी में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो कैलाश जोशी। बिल्कुल नाम याद रख लीजिएगा, कैलाश जोशी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, कैलाश जोशी। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की लाइन आपने याद की होगी, मुख्यमंत्री का क्रम आपने याद किया होगा, लेकिन कैलाश जोशी उसमें बीच में कहीं ना कहीं आएंगे और वो रहेंगे पहले गैर कांग्रेसी, ठीक है ना। पहले कांग्रेस का बहुत बोलबाला था, आज के समय में कांग्रेस देखिए अति सर्वत्र वर्जित होता क्या है कि अगर आप अति करेंगे, उन्होंने क्या किया, उसको मिसयूज करना स्टार्ट किया। अगर आप अच्छे से देश को चलाते, हाँ नो डाउट स्टार्टिंग में देश को चलाना बहुत आसान नहीं था, बहुत समस्याएं आई हैं, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, समंतवादी व्यवस्था, सबको हटा के इकट्ठा एक मिली जुली हमारे आगे कौन सी मिश्रित इकोनॉमी है, उसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर लेंगे जब एमपी का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एमपी का इतिहास और भारत का इतिहास उस समय। तो इंडियन पॉलिटी में हम बहुत सारी चीजें आपको जानकारी देते रहेंगे, तो वहां पर आपको ये जरूर मिलेगा कि पहले देश को चलाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे देश को आपने तरक्की करी है उसको उबारने में इन्होंने 90 के दशक तक, 1992 के आसपास तक का टाइम ले लिया। तो ये जो 40-50 साल है ना उस समय के, ये बहुत नुकसानदायक तरीके से गए हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी उस समय फॉलो नहीं होती थी। चलिए, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन है, बीजी घाटे, याद कर लो, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, नोट कर लो, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे। चलिए, प्रथम पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक वीपी दुबे। अब देखिए यहाँ पर आपको बीजी और वीपी में कंफ्यूजन ना हो, तो दुबे जी महानिदेशक थे और महानिरीक्षक थे घाटे जी, ठीक है ना। निरीक्षण करने पर हमको पता चला कि यार कुछ घाटा हुआ है, जब तक हम निरीक्षण नहीं करते, पता नहीं करते, तब तक पता चला जरा घाटा हुआ है फायदा। तो निरीक्षण करने के, निरीक्षण करते हैं तो हमको पता चलता है कि घाटा हुआ कि फायदा। तो घाटे जी कौन थे, निरीक्षक थे, और निदेशक में कोई दिक्कत नहीं है, निदेशक तो क्या है, दुबे जी रहे, तो दुबे जी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको एक याद हो गया, निरीक्षक घाटे जी थे तो निदेशक बीपी दुबे जी रहेंगे, तो आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। चलिए, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, फोटो आज आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, निर्मला बुच। ये क्वेश्चन जस्ट रिसेंट के भी आया हुआ है, एमपी टेट वर्ग एक में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे वर्ग एक वर्ग दो का रिजल्ट के बारे में, सब कुछ हमको पता है, वर्ग दो रिजल्ट के बारे में भूमिका भी बनाई जा रही है, साथ में वर्ग तीन के लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं कि कैसे वैकेंसी लाई जाए। डोंट वरी, पढ़ाई करते चलो, हम आपके लिए अगले हफ्ते बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। डोंट वरी, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। बुच जी का फोटो देखिए, निर्मला बुच जी का फोटो देख लीजिए, मध्य प्रदेश महिला की मुख्य, प्रथम महिला मुख्य सचिव, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात बता दूं आपको, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जरा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दें और एक फेवरेबल कमेंट कर दें। जो अभी देखिए प्रेवेंट चल रहा है, लाइव देख रहे होंगे, वो लाइव लगाएंगे, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप लाइव आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर दूंगा मैं, बहुत जल्द लाइव आ रहा हूँ, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा। प्रथम महाअधिवक्ता, प्रथम महाअधिवक्ता जानते हैं, वकालत करी होगी किसी ने, तो श्री एम अधिकारी कौन है, श्री एम अधिकारी, प्रथम महाअधिवक्ता श्री एम अधिकारी, नोट कर लीजिएगा। शीतल सहाय प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष अगर अभी पूछा जाए आपसे, तो वित्त आयोग कौन है, शीतल सहाय, ठीक है ना। अब ये कैसे याद रखेंगे भैया, सहायता के लिए राशि की जरूरत पड़ती है, क्या पैसे चाहिए किसी की सहायता करना, तो पैसे देना पड़ते हैं, तो वित्त मतलब पैसा, पैसा मतलब सहायता, सहायता मतलब शीतला सहाय, तो शीतला सहाय के नाम से आप याद रख सकते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय जी अवेलेबल हैं हमारे डिक्शनरी में, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल अनअकैडमी प्लस के बारे में फिर से बता दूं आपको, अनअकैडमी प्लस पर जाके हमको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत नॉमिनल फीस है, अभी फीस बढ़ जाएगी फिर आपको दिक्कत आएगी, अभी 5,000 थी एक महीने पहले, बढ़ी है 6,300 हो गई है डिस्काउंट काटने के बाद, अब बहुत जल्दी 10,000 तक हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी आपको। अभी लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है, तो लॉन्चिंग के समय एमपीपीएससी का ये फीस बहुत कम है, ठीक है ना। प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो एक मिनट इसको मिटा दूं मैं, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, एन वी लोहानी नाम है, बिल्कुल निर्वाचन आयुक्त कौन रहे सबसे पहले, एन वी लोहानी। अब देखिए भाई, किसी का चुनाव करवाना अपने आप में बहुत कड़ा संघर्ष रहता है, आप जानते हैं ना, जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लोहा लेना पड़ता है, जब भी चुनाव, आपने एक मूवी भी देखी होगी अभी, वो कहाँ की,
ये नक्सलवाद के ऊपर बनी थी ना अपने वो भाई साहब जो क्या नाम है, नाम चलो वो तो भूल गया, बट उन्होंने तो लोहा लेना पड़ता है निर्वाचन कराने के लिए। हाँ न्यूटन, न्यूटन आपने सुना हो, न्यूटन तो लोहानी जी कौन थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, नोट कर सकते हैं आप बिल्कुल ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त, प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो प्रथम सूचना आयुक्त थे टी एन श्रीवास्तव, टी एन श्रीवास्तव, आईटी सेल टी एन श्रीवास्तव, प्रथम सूचना आयुक्त कौन रहे हैं, टी एन श्रीवास्तव, नोट कर सकते हैं बिल्कुल सही है। चलिए प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त वीपी पीवी दीक्षित कौन है, पी वी दीक्षित ठीक है ना, पीवी दीक्षित बिल्कुल सही आंसर है, प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित जी रहे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। ये फोटो आप देखेंगे तो प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष, प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष। देखिए एक और रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पॉज करके बस अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि अब देखिए 8 बजे में लाइव आने वाला हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। शाम को 6 बजे हमारी एमपी जीके के एमसीक्यूज की क्लास रहेगी, हमारी जिम्मेदारी आपको एमपीपीएससी पास करवाना, उसके लिए आपको जुड़ना है, लगातार पढ़ना है, बिल्कुल एक भी समय मत गवाइए, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, बिल्कुल समय मत गवाओ, आपको लग रहा होगा नोटिफिकेशन आने अप्लाई करेंगे दिक्कत आ जाएगी ठीक है ना। यही गलती लोगों ने वर्ग की, जबकि हमने तैयारी बहुत पहले चालू करवा दी थी और लोगों ने क्या ज्वाइन किया 1 महीने पहले, फिर हमको बोलते सर 1 महीने पहले हम कैसे तैयारी करें, भाई जब समय है आपके पास तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई करो बिल्कुल। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी का फोटो देख लो आज, नाम बहुत सुना होगा। अगला है प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष, प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है ठीक है ना, डॉक्टर दया रंग शंकर नाग, कौन थे, डॉक्टर दया शंकर नाग, याद कर लो। इनका फोटो देखिए भैया, हमने कई बार जब क्लास ली है, चाहे प्लस पे क्लास ली हो चाहे यहीं पर क्लास ली हो, हमने हमेशा आईएएस आईपीएस की बात करी है, आईएएस आईपीएस की बात करी है, तो आईएएस और आईपीएस अधिकारी में से अगर बात करें तो पहली आईपीएस अधिकारी जो रही है, नाम तो लिखी दो आप लोग क्योंकि सबने पढ़ा होगा, आईपीएस अधिकारी, प्रथम आईपीएस महिला, प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी, तो इनका फोटो देख लो, कुमारी आशा भोपाल, बिल्कुल प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी कौन रही है, कुमारी आशा गोपाल जी, बिल्कुल नोट कर लो, याद से ध्यान रखिएगा ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन, और एक और अगला क्वेश्चन, पहले महिला आईएएस और आईपीएस दोनों ही में से कोई ना कोई आ ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला बुच, बिल्कुल हमने फोटो लगा दी थी आपको, निर्मला बुच जी का फोटो हमने पहले भी आपको दिखा दिया है, तो निर्मला बुच जी का करेक्ट आंसर है ठीक है ना। चलिए अगला, प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एमपी में, एमपी में प्रथम लोक सेवा का आयोग अध्यक्ष डीबी रेड्डी कौन रहे हैं, डीबी रेड्डी, प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष रहे हैं डीबी रेड्डी। देखिए लोक सेवा आयोग हमारे यहाँ पर ही है, एमपीपीएससी पीएससी ऑफिस हमारे घर से करीब 15 मिनट की दूरी भी नहीं है, मुजाखड़ी चौराहे के पास में है, 4 चौराहे छोड़कर, तो हम जब चाहे वहां जाते रहते हैं, आपको कोई काम हो जरूर बता दीजिए, हम करवा देंगे, मतलब बात कर लेंगे। विधानसभा में प्रथम विपक्ष की महिला नेता, बहुत बढ़िया, विधानसभा में प्रथम विपक्ष की महिला नेता, ये भी आप देखिएगा, जमुना देवी जी, बहुत नाम फेमस है इनका, जमुना देवी जी हैं प्रथम विपक्ष की महिला नेता, नोट कर लो। इसी प्रकार से डायग्राम आइग्राम बना लिया करो, थोड़ा सा क्या है, अब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है ना, तो कई बार आपके दिमाग में क्या है कि वो चीज रिपीट नहीं होती, हम उसको अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं ठीक है ना। तो जमुना देवी विपक्ष की पहली महिला नेता रही है। चलिए प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है पीएससी में, कुछ नहीं छोड़ सकते, और ये आया हुआ क्वेश्चन है पीएससी का, पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन रही है, फोटो आपके सामने दिख रहा है, नाम है उर्मिला सिंह, और ये रही है एमपी की, एमपी से बिलोंग करती थी उर्मिला सिंह, और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही है ये ठीक है ना, कहाँ की रही है, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही है और बिलोंग करती है एमपी से, तो मध्य प्रदेश की प्रथम ऐसी महिला जो कहीं राज्यपाल रही है वो उर्मिला सिंह, नोट कर सकते हैं आप ठीक है ना। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर किसी को पता हो तो आंसर लगा सकता है, मैं तो बता ही दूंगा, वी आर दवे। देखिए लाइव आएंगे तो बहुत आनंद आता ही आता है यार, ये बात मानता हूं मैं, बट अभी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जब तक नहीं आ पा रहा हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको बिल्कुल लाइव ऊपर हुआ, कहीं मजा आएगा। एमपी जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वी आर दवे जी, बिल्कुल इनका, इनको कौन नहीं जानता, ये तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले केबीसी में आए थे, तो
तो उस समय फेमस हो गए, उसके पहले नोबेल पुरस्कार मिला फिर फेमस हो गए। और शांति वांति की बात करें तो यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश की कौन है, सबको पता होगा शांति नोबेल पुरस्कार हमारे यहाँ से श्री 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 कैलाश सत्यार्थी जी। बिल्कुल कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत बढ़िया नाम रोशन किया हमारा। तो मध्य प्रदेश से प्रथम नोबेल पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार ठीक है नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जी रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एमपी विधानसभा के पहले सत्र के सचिव याद करिएगा, पहले सत्र के सचिव कौन रहे हैं, एमपी विधानसभा के पहले सत्र के सचिव कौन रहे हैं। बार बार रिपीट करा रहा हूँ आपको, याद भी करा रहा हूँ, इसका आंसर लगाने से पहले आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं, अन अकेडमी प्लस पर हमारी लाइव क्लासेस चालू हो चुकी है, वहां पर मात्र 6300 में एमपीपीएससी का कोर्स अभी मिल रहा है। ये स्टार्टिंग प्राइस है, जो अभी लॉन्चिंग प्राइस चल रही है, इसके बाद ये 10,000 रुपए भी हो सकती है एक दो महीने के अंदर। तो एमपीपीएससी नोटिफिकेशन आते से ही प्राइस लगभग डबल की बात सुनने में आ रही है, बट मुझे पता चल रहा है यहाँ तक कि 10,000 रुपए भी हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फायदा उठा लो इस चीज का और वहां पर अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन कर लो, और हमारा रेफरल कोड DT Live मत भूल जाना, इससे ही 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, अदरवाइज 11,000 का कोर्स मिल जाएगा। तो DT Live एक साथ ही लगाना, स्पेस स्पेस कुछ भी नहीं है। चलिए बता दीजिए आंसर भैया इसका, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के सचिव कौन रहे हैं, तो खांडेराव केशव रांगोले। तो आप याद रख सकते हैं नाम, बेहतरीन ट्रिक तो इसकी तो नहीं है अभी अपने पास, कुछ लोग ट्रिक के बारे में बोल रहे हैं, एक ट्रिक मैं जरूर बनाने वाला हूँ जो एमपी के एकमात्र प्रथम के लिए है। जो कि देखो ट्रिक कुछ ऐसी भी हो, कई बार क्या होता है लोग ट्रिक बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, पहले पहले अक्षर को इकट्ठा करते हैं और ट्रिक बना डालते हैं। भाई ट्रिक का मतलब ये नहीं होता, ट्रिक का मतलब ये तो पता चला कि वो किस चीज की ट्रिक है। अब ट्रिक ही इतनी सारी हो गई है, आपने 100-200 ट्रिक याद कर ली, पता चला वो काय की वही भूल गए, तो ये गलत बात है। हम ट्रिक तभी बनाते हैं तो वही ट्रिक देते हैं जो आपको याद रहे कि भाई काय की ट्रिक थी, और ट्रिक में कुछ लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रथम शुरू के नाम उठाए और बस जाके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नाम बना, तो वो ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक का तो लोगों ने फैशन ही बना लिया है, ट्रिक का मतलब ट्रिक होना चाहिए। चलिए इस चेहरे को कौन नहीं जानता है, ये बहुत ही हमारे मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है इन्होंने, प्रथम महिला फाइटर। बिल्कुल नाम आया हो आपको किसी को तो बताइएगा, प्रथम महिला फाइटर मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करती हैं उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी जी। बिल्कुल अवनी चतुर्वेदी जी, इन्होंने प्रथम महिला फाइटर पायलट होने का गौरव प्राप्त है। चलिए ये चेहरा आपने शायद ही कभी देखा हो बट नाम बहुत सुना होगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन, एमपी के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री। तो नाम आपको याद हो तो लगा दीजिए, नहीं तो मैं तो बताई देता हूँ आपको, डॉक्टर राजा नरेश चंद्र। और प्लीज मित्रों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और रोज आना सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। पर्वतारोही की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पता करने वाली मध्यप्रदेश की पहली पर्वतारोही 2019 में, रिसेंटली 2019 में, इसका आंसर तो करंट अफेयर्स में भी हमने करवा चुका हूँ, बहुत पहले की बात है। लेकिन अगर आप लोग लगा सकते हैं तो लगाइए जल्दी फटाफट, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप नहीं पढ़ा तो पढ़ा करो यार, हमारे पास करंट अफेयर्स की जखीरा है यहाँ पर। भावना डहेरिया, बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट पता करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम पर्वतारोही भावना डहेरिया, ठीक है। देवी अहिल्या होलकर इंदौर, हवाई अड्डा इंदौर, देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा इंदौर, ठीक है भैया, ये तो अपन सब जानते हैं एयरपोर्ट है, बट ये नाम इसमें प्रथम और एकमात्र में क्यों आया इसको मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय, कौन सा प्रथम अंतरराष्ट्रीय, एमपी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतरराज्य तो बहुत सारे हैं, जबलपुर में भी है आपका, सीतानगर में भी है आपका, खजुराहो के पास भी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा है, ठीक है ना। चलिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय को भी गौरव प्राप्त है कि पहली बार मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब भोपाल के मेडिकल यानी कि जीएमसी भोपाल, कौन सा जीएमसी भोपाल में शुरू की गई है। तो आपको पहली वायरोलॉजी लैब जो है वो कौन सी है, कहाँ पर है, गांधी मेडिकल हॉल भोपाल, तो उनका भी एक गौरव प्रतीक चिन्ह मिला है। अब देखिए हमारे यहाँ पर MGM है, महात्मा गांधी का नाम तो जाने को वहीं आ जाता है, पता नहीं महात्मा थे तो गांधी थे, और भाई इनके नाम मेमोरियल कॉलेज इंदौर का ही है, ये महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज MGM, तो ये है इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश का पहला ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट स्थापित किया गया। पहला कौन सा, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट स्थापित किया गया, दोनों MGM की बात कर लो, ये फिर से देख लो एक बार, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। पहली बार वायरोलॉजी लैब जो है
वायरोलॉजी लैब की बात करें तो वो कहाँ मिलेगी आपकी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। और पहली आपकी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात की जाए तो ये रहेगा आपका इंदौर में, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको उम्मीद लगी रही होगी। तो एक लाइक बनता है, लाइक कर देना बस, ठीक है ना। लाइक करने से हमको क्या है कि पावर मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए सब कुछ लेकर आएंगे डिटेल्ड में, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा, ठीक है ना। यही बनना है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फर्स्ट टाइम जो भी देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर, और हाँ, अनअकैडमी प्लस पर हमारा रेफरल कोड क्या है, रेफरल कोड क्या है, डीटी लाइव। भैया अपने मित्रों को दे देना जिसको भी परचेस करना हो, डीटी लाइव 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर। 7 जून 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की नरसरोल्ला तहसील में सरली में प्रदेश का पहला धुआं मुक्त गांव घोषित किया है। तो ये जो है ससली एक गांव ऐसा है। आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, ये अपना सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में है। तो सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के पास में आपको यहाँ पर ससली गांव मिल जाएगा। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर ही है ससली गांव, ठीक है ना, होशंगाबाद के पास में, हरदा के पास में, और यहाँ पर मिलेगा। तो उसको ससली नाम है, देखो कहाँ पर है वो तो पूछेगा नहीं आपसे, बट ससली थोड़ा सा मैप से क्या रहता है, थोड़ा सा याद रहता है किस एरिया में आ रहा है। तो ससली तो प्रदेश का पहला धुआंधार पर बात कहाँ है, ये जबलपुर में। अब नाम आ गया है जबलपुर में, भेड़ा घाट में स्थित है, भेड़ा घाट में संगमरमर भी मिलता है, क्वेश्चन बार बार ऐसे आ जाते हैं कई बार। 7 जून 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जून 2018 नोट कर लीजिए ससली को प्रदेश का पहला धुआं मुक्त गांव घोषित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 18-19 के जो क्वेश्चन है ना, ये अभी भी ऐड हुए हैं, पुराने लगभग लोगों को पता रहते हैं। तो हमारा तो फायदा, बुक में क्या होता है, अपनी किताब खरीदी मान लो तो 1-8 साल बाद वो पुरानी हो जाती है, कई बार तो 6 महीने में ही पुरानी हो जाती है, लेकिन अगर हमारे चैनल पर बने रहोगे ना तो लेटेस्ट जानकारी आपको तुरंत देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नरसिंहपुर के बारे में एक जानकारी आपके लिए देना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन जानकारी है कि 9 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर जिले को पहला शौच मुक्त जिला घोषित किया था। तो पहला शौच मुक्त जिला नरसिंहपुर और पहला धुआं मुक्त गांव ससली, और ये कहां पर है, नसरुल्लागंज तहसील में है, और जिला कौन सा लगता है, सीहोर। तो सीहोर जिला, नसरुल्लागंज और ससली आपको याद रखना है, और यहां पर आपको नरसिंहपुर जिले में पहला शौच मुक्त जो है ये इसको घोषित किया है, ठीक है ना। नरसिंहपुर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला, राजधानी भोपाल के निकट स्थित एक ग्राम जो है डबझिरी को प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया जब थे, जब बीजेपी सरकार से बात चल रही है, पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया है इसको। तो पहला डिजिटल गांव, ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, कौन सा अति इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि डिजिटल के बारे में जब भी बात होती है, डिजिटल गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बडझिरी क्या रहेगा आपका, बडझिरी, नोट कर लो, बडझिरी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला, ये तो हम तो अभी घूम के आ रहे हैं कुछ दिनों पहले, ये अपने यहाँ का एक स्थल है जहां पर हनुबंतिया डैम है, और प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन होने का गौरव प्राप्त है। अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट ही है, बहुत दिनों से काम चल रहा है, खंडवा में विकसित किया गया है हनुमंतिया टापू, और ये अब जब हम गए थे करीब 2 साल पहले की बात है, उस समय तो उतना डेवलप नहीं था, काम चल रहा था, लेकिन अब काफी डेवलप हो चुका है, और अगले 5 साल में ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और बेहतरीन यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। वैसे अभी भी आप जा सकते हैं, बट जाइएगा बरसात के जस्ट बाद ही, ठंड के पहले पहले, ठीक है। गर्मियों में ज्यादा जाओगे तो अभी मजा उतना नहीं आता है, ठंड में ना दिसंबर के आसपास जाओगे, 31 दिसंबर को बहुत अच्छा मेला भी लगता है वहां पर, क्या नाम उसका, हनुमंतिया में लगता है, हर साल लगता है। गोपालपुर स्थित मध्य प्रदेश का पहला तितली घर क्या, प्रदेश का पहला तितली पर बटरफ्लाई हाउस जो है गोपालपुर में स्थित है, वह एक परिसर बनाया गया है, रायसेन जिले में बनाया गया। तो देखिए छोटी छोटी जानकारी है बट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेते हैं, पीएससी में कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, तो जब आता है तो बोलते हैं ये कहां से पूछ लिया, तो हम हर चीज लेके आएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना, कभी भी आप घबराइए नहीं, हर चीज आपको देखिए पुराने वीडियो देखिए, हाँ बता दूं हमने जितने वीडियो पुराने बनाए हुए हैं ना उसमें एमपीजी के संबंध में, तो एमपीजी के आप सर्च कर सकते हैं हमारा अनअकैडमी स्टूडियो फ्लैश एमपीजी के, बिल्कुल अनअकैडमी स्टूडियो फ्लैश स्लैश एमपीजी के जितने 20-50 वीडियो होंगे सब देख मारो, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं बचा है एमपीजी के संबंधित, आप देख के देखो एक बार, सब कुछ मिल जाएगा। प्रदेश के निजी क्षेत्र का पहला आईटी पार्क राजधानी भोपाल के नगर रायसेन में है, ये भी देखें मंडी दी में खोला जाएगा। तो ये अभी देखिए जो आने वाला वो भी हम देंगे, हम बोल रहे हैं कि निजी क्षेत्र का पहला आईटी पार्क, एक तो आईटी पार्क इंदौर में है, आईटी पार्क कहाँ पर है, इंदौर में, पहला आईटी पार्क इंदौर में है, ध्यान रखिएगा। लेकिन निजी क्षेत्र का पहला आईटी पार्क आपका मंडीदीप में रहेगा,
खोला जाएगा। और देखिए बुक्स का मैं वही बोल रहा हूँ, बुक्स आपके तो वेस्ट हो जाते हैं भाई, आपने 4-5 हज़ार की बुक खरीद ली, किताबें खरीदने के बाद क्या होगा, 2-4 दिन 2-4 महीने बाद 1 साल बाद वो रद्दी के भाव, भैया यहाँ पर तो हमको ले दी ताज़ा जानकारी आप देते रहते ना, तो आप बहुत जरूर ज्वाइन करिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लो भैया जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पहली ई मंडी भोपाल के करौंद में, कब भोपाल के करौंद में लोकार्पण किया है। ये 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पहली ई मंडी, कौन सी मंडी, ई मंडी, मंडी को भी डिजिटलाइज किया है। और ये जब से डिजिटल का काम चल रहा है ना तो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और काफी कुछ उससे इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, तो नोट कर लो भैया किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक तो नाम याद रखना है, डेट याद रखना है 14 अप्रैल 2016 और करौंद भोपाल, करौंद भोपाल आपको, करौंद भोपाल पहले करौंद भोपाल थोड़ा सा बदबूदार एरिया के लिए जाना जाता था क्योंकि वहां पर भाई डंपिंग एरिया था बहुत बड़ा करौंद के आसपास, बट अब शायद वो हटा लिया गया है, बट अब करौंद को आप याद रखें तो ई मंडी के नाम से इसको घोषित किया, ठीक है ना। चलिए, प्रदेश का पहला बांस बगीचा बैम्बू स्टेम, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्वेश्चन वैसे आ भी चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है क्योंकि ये अपने आपका एक इकलौता बगीचा है, प्रदेश का पहला बांस बगीचा बेम्बू स्टेम भोपाल के लहारपुर इकोलॉजिकल गार्डन में विकसित किया जा रहा है। बगीचे में देश विदेश की 100 से अधिक बांस की प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अभी यहाँ 25 प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है, अभी 25 का किया जा रहा है, 100 से अधिक प्रजातियों का कर रहे हैं लहारपुर, याद कर लो लहारपुर, ठीक है ना, नोट कर लो लहारपुर। तो ये है बाम्बू के लिए लहारपुर, अब लहारपुर याद कैसे करोगे भैया, तो बाम्बू के पेड़ जो होते हैं, देखो ये वीडियो, अब जब ये वीडियो देखोगे ना तो ये मेरा ये डायग्राम आपको याद रहेगा, ये क्या होगा बांस हो गए, लंबे लंबे बांस हो गए, और ये बांस जब हवा चलती क्या होते हैं लहराते हैं आपस में, लहराएंगे तो क्या जाएगा लहारपुर। लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों को, बताना हम डेली 8 बजे और 6 बजे आते हैं, तो बिल्कुल कहीं मत जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और लहारपुर कहां पर टाइप लिए, बांस के लिए, बांस के लिए इकोलॉजिकल गार्डन विकसित किया जा रहा है, बगीचे में देश विदेश की 100 से अधिक बांस की प्रजातियां संरक्षित की जाएंगी, 100 से ज्यादा बट अभी 25 है, तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर जो आए आज, धन्यवाद सभी के लिए, दिल से शुक्रिया। लेकिन जाते जाते फिर से वही जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें लेट मत हो जाना, 6,300 का भी बढ़ रहा है ये कोर्स आपका 12 महीने का, डीटी लाइव कूपन कोड यूज करें, 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर, देखिए एमपीपीएससी हो, टेट एग्जाम हो, सीटेट हो, आप चाहे तो कोई भी टेट प्लस एसएससी का फॉर्म भरा हो, कोई भी आपने यूज किया हो तो घर बैठे कोचिंग करने से जो फायदा है वो कहीं नहीं, क्यों देखिए कहीं पर आप जाएंगे, मान लो किसी कोचिंग हमारे इंदौर आते हैं, मेरे यहाँ पर पीएससी की फीस है 55,000 रुपये हमारे कोचिंग संस्थान में, और भी जो संस्थान है वो 60,000 मिनिमम, 70-75, और अगर प्री मेंस की बात करेंगे तो पता चलना कितने कितने पैसे लग जाएंगे आपके, और व्यापम की बात करें तो 25-30 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं जा रहा है, कम से कम 12,000 तो हमारे यहाँ की फीस है, 12,000 रुपये, वो भी सारे सब्जेक्ट कवर उसमें नहीं हो पाते सारे सब्जेक्ट के, लेकिन व्यापम के सारे कोर्सेज, चाहे वो ग्रुप 4 हो, ग्रुप 2 हो आपका, वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 1, सबके लिए हम यहाँ पर पीएससी में तैयारी कराते हैं, व्यापम तैयारी कराते हैं, तो हमारा रेफरल कोड डीटी लाइव जरूर देखना। 2 साल की तैयारी करनी है आपको तो 10,000 रुपये कोई बुरे नहीं है, 10,000 रुपये तो देखो देखो 2 साल में कहाँ पर पेट्रोल भी खर्च हो जाएंगे आप 6,000 रुपये में आने जाने में, फिर तो पढ़ाई यहाँ पर, तो 10,000 रुपये में डीटी लाइव 10,080 रुपये में आपको मिलेगा ये, तो बिल्कुल बात मान लो, कोई पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो डेडिकेटेड कोर्स मिलता है पूरा लाइव, बिल्कुल 7 बजे में आता हूँ, मुझे फॉलो जरूर करिए भैया, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एक टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते करेंगे, मिल जाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। हाँ, जाने के पहले यार एक बात भूल गया मैं, स्टूडियो प्लेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं, घंटी बटन दबाएंगे नोटिफिकेशन आएंगे, अगर घंटी बटन आपने दबा दिया अच्छी बात है, साथ में टेलीग्राम की ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम बहुत बढ़िया ग्रुप है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन पहुंचाते रहेंगे जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। जानकारी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में, जो लाइव नहीं है कम से कम कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।